ये हमारा अल्फांसो का बगीचा है, 30 एकड़ में 2000 पेड़ है। ये हम ज़्यादा से ज़्यादा सब ऑर्गेनिक प्रैक्टिस से कर देते हैं। ये ऑर्गेनिक प्रैक्टिस के लिए हमारा इधर एक गौशाला भी है, उसका काऊ डंग एंड काऊ यूरिन हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए लगाते हैं। इसके वास्ते वो आम का टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है। और ये बगीचे में हमने एक एग्रो टूरिज्म और इको टूरिज्म की एक कंसेप्ट डेवलप कर दी है। तो हमारे इधर एक 4 सूट की रहने की व्यवस्था है, और उसमें बहुत पूना बम्बई से बहुत लोग इधर आके रहते हैं और निसर्ग का मजा लेते हैं। ये देखो, ये जो ट्रैप हम लोगों ने जो बनाया है, जो ये ट्रैप है वो फ्रूट फ्लाइज के लिए वो ट्रैप बनाया है हम लोगों ने। उसके अंदर ऐसा रहता है, जो मक्खी रहती है वो पके हुए फ्रूट में एग्स डालती है, और बाहर से आपको इसमें पता नहीं चल जाता है कि उसके अंदर एग्स है या उसमें कुछ होल बनाया है वो। इसके वजह से आप जब ये आम काटते हैं तो उसके अंदर कीड़ा निकल जाता है। तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने उसका तरीका ढूंढ लिया है इसके वजह से, कि ऐसा किया है कि जो फ्रूट फ्लाई है वो फीमेल मेल को अट्रैक्ट करने के लिए जो कौन सा एक तरह का गंध निकालती है, बार स्मेल जिसको बोलते हैं वो निकालती है, तो वो स्मेल ये कॉटन के अंदर डाला है। तो इसकी वजह से ऐसा होता है कि मेल को ऐसा लगता है कि इसके अंदर फीमेल है, इसकी वजह से यहाँ वो अट्रैक्ट हो जाता है और यहाँ के बॉटल में अटक के वो फंस के मर जाता है। तो उसका हमारा नियर अबाउट 90 to 95% फ्रूट फ्लाई का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया विदाउट एनी केमिकल।